हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 8 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि ऑक्सी वन को एस्टैब्लिश करेगी। देखिए यहाँ पर ऑक्सी वन का मतलब क्या है, वन का मतलब है फॉरेस्ट, जंगलों को स्थापित करेगी। और ऑक्सी नाम इसलिए लगा दिया गया है कि इसके पीछे मेन मोटो यह है कि शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिले, इस वजह से नाम रखा गया है ऑक्सी वन। तो ऑक्सी वन एस्टैब्लिश किए जाएंगे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा। खट्टर सरकार ने कहा है यहाँ पर कि ये ऑक्सी वन स्थापित करेंगे हरियाणा के अंदर 80 एकड़ एरिया में। तो हरियाणा सरकार के द्वारा 80 एकड़ एरिया में वनों की स्थापना करी जाएगी। और इसके तहत इन्होंने कहा है कि 10 तरीके के वन लगाए जाएंगे, कितने, 10 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। जैसे कि कुछ इसमें से घने जंगल होंगे, डेंस फॉरेस्ट होंगे, कुछ इसमें से ऐसे जंगल होंगे जहां पर फूलों की तादाद ज्यादा होगी, कुछ ऐसे होंगे जो कि वॉक के लिए स्पेशली बने होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो 10 तरीके के वन बनाए जाएंगे 80 एकड़ जमीन में, उसको बोला जाएगा ऑक्सी वन। ये किस लिए बनाया जा रहा है, ये लोगों के विजिट के लिए ही बनाया जा रहा है, इसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग यहाँ पर वॉक कर सके। और साथ में इसका मेन मोटो ये है कि लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस पता लगे, ताकि वो पर्यावरण को पॉल्यूटेड होने से भी बचाएं आगे चल के। तो हरियाणा में खट्टर सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सी वन है ये हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, करनाल में। और करनाल पूरे भारत में दूध का उत्पादन भी सबसे ज्यादा करता है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। सिक्किम में पी एस तमांग की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो फ्रेंच ओपन चल रहा है 2021 का, तो न्यूज ये है कि ये कौन से प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है खुद को फ्रेंच ओपन से। मतलब अभी ये फ्रेंच ओपन खेल रहे थे लेकिन बीच टूर्नामेंट से ही इन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया है। ये है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। आपको पता है रोजर फेडरर आज तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, कितने, 20। सिंगल्स टाइटल की अगर बात करें तो टोटल 20 ग्रैंड स्लैम ये अपने नाम कर चुके हैं। दुनिया में इनकी वर्ल्ड रैंक है इस टाइम पे 8th नंबर के बेस्ट प्लेयर हैं वर्ल्ड में। और रोजर फेडरर आपको बता दूं 2020 में सबसे ज्यादा कमाई वाले एथलीट थे, इनकी एक साल की कमाई $106 मिलियन थी लास्ट ईयर। लेकिन अगर सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी में लियोनल मेसी नंबर वन पे थे, क्योंकि $106 मिलियन टोटल कमाई थी रोजर फेडरर की, जिसमें से $100 मिलियन इनको एडवर्टीजमेंट से मिलते हैं और इनकी जो सैलरी है वो $6 मिलियन है। लेकिन लियोनल मेसी की अगर बात करें तो उनकी सिर्फ सैलरी $72 मिलियन थी लास्ट ईयर। तो रोजर फेडरर लास्ट ईयर रहे पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई वाले एथलीट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम फर्स्ट फ्रेंच नॉवेलिस्ट टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 को जीतने के बाद ये पहले फ्रांसीसी नॉवेलिस्ट कौन बन गए हैं जिन्होंने इस टाइटल को जीता है। इनका नाम है डेविड डियोप। क्या नाम है, डेविड डियोप। इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, इस नॉवेल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये किताब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर लिखी गई किताब है। इस किताब के लिए ही इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का दिया गया है। तो आज तक किसी भी फ्रांसीसी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं मिला था, पहले बने हैं डेविड डियोप। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 का एजेंडा लॉन्च किया गया। मतलब कहने का, देखो है क्या, यूएन हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या आप इसको एसडीजी 2030 एजेंडा भी बोल सकते हो। तो जिसके तहत भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी, भारत ने इस बार 117वीं रैंक सिक्योर करी है। पिछले बार भारत ने 115वीं रैंक सिक्योर करी थी, इस साल भारत दो पायदान नीचे खिसक गया, तो दो पायदान का लॉस हुआ है भारत को।
107वीं रैंक इस बार सिक्योर करी। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, और ये गोल्स कितने हैं? टोटल ये 17 गोल्स हैं। ये जो 17 गोल्स हैं, ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 17 गोल में आप देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि नो पावर्टी, किसी भी देश में गरीबी नहीं होनी चाहिए, नो हंगर, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, हेल्थ एंड केयर का ध्यान होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, क्लीन वाटर और सफाई की फैसिलिटी होनी चाहिए, और क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए। मतलब इस तरीके से मिलाकर टोटल अगर बात करी जाए तो ये 17 टारगेट हैं। अगर इन 17 टारगेट को कोई भी देश अचीव कर लेता है तो वो देश डेवलप्ड कंट्री कहलाता है, या फिर आप बोल सकते हो उस देश में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, वो देश पूरे तरीके से संपन्न देश कहलाता है। तो ये जो 17 गोल निर्धारित किए गए हैं यूएन के द्वारा, हर साल इसकी रिपोर्टिंग ली जाती है, और इसके लिए टारगेट लिया गया है 2030 तक का, कि दुनिया के सभी देशों को 2030 तक ये एजेंडा क्या करना है, अचीव कर लेना है। तो 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी यूएन के द्वारा, और इसमें पता है पूरी दुनिया के 193 कंट्रीज शामिल हैं। तो 193 कंट्रीज की लिस्ट में भारत ने 107वीं रैंक सिक्योर करी है। लेकिन मुश्किल वाली बात यह है, या खराब बात यह है, कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें से कुछ ऐसे देश हैं जिनसे भारत की रैंक नीचे रही, जैसे कि नेपाल हमसे इस रैंक में ऊपर है इस टाइम पे, भूटान भी ऊपर है, श्रीलंका भी ऊपर है, और बांग्लादेश भी ऊपर है। और बाय द वे, भारत ने 107वीं रैंक सिक्योर करी है, तो 100 में से भारत का स्कोर कितना रहा? भारत ने अंक यहां पर सिक्योर किए हैं 61.9। अगला क्वेश्चन है, सेम इंडेक्स से आपका क्वेश्चन है, ये भी आपसे कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 एजेंडा के रैंकिंग में, अब अगर स्टेट की बात करें तो भारत का कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है? तो भारत का केरल राज्य है जिसने टॉप किया, नंबर वन। मतलब कहने का यह है कि यूएन की एसडीजी 2030 एजेंडा के आधार पर अगर ये बोला जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जो कि इन 17 तरीके के गोल्स पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? केरल। नंबर दो पर कौन सा रहा? हिमाचल प्रदेश। और नंबर तीन पर रहा चंडीगढ़। तो ये टॉप थ्री हैं जो आपके सामने हैं, ध्यान रखिएगा। केरल में पिनाराय विजयन के भी हाल ही में सरकार आई है, ये दूसरी बार वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ में गवर्नर है वीपी बदनोर, और हरियाणा में खट्टर सरकार है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है अनिरुद्ध जुगनौत, इनका निधन हो गया, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं? अनिरुद्ध जुगनौत, जो इस टाइम पर प्रवीण जुगनौत हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उनके पिता थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये मॉरिशस से बिलोंग करते थे, और इस टाइम पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जुगनौत के बेटे, इनका नाम है प्रवीण जुगनौत है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अनिरुद्ध जुगनौत को भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था, तो इसी वजह से अभी हाल ही में 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया गया। मतलब कहने का, राष्ट्रीय शोक अवकाश डिक्लेयर किया गया, भारत बंद की घोषणा करी गई थी। ओके, मॉरिशस की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है पोर्ट लुइस। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। मालदीव्स की कैपिटल है माले। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य या फिर यूटी सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम का एक कैंपेन जारी किया गया है? ये अरविंद केजरीवाल की सरकार, मतलब दिल्ली सरकार के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम का कैंपेन अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसका मेन मोटो यह है कि अरविंद केजरीवाल का कहना है इसके तहत कि अगले एक महीने में, ये अगले 4 हफ्ते में, मतलब एक महीने में, इनका कहना है कि दिल्ली के अंदर 45 साल तक के जितने भी लोग हैं, ओके, 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए कोविड वैक्सीन को लेकर। मतलब कहने का, 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीन लग जाना चाहिए। तो इनमें से ज्यादातर के ऐसे केसेस हैं जिनकी सेकेंड डोज बाकी है। तो दिल्ली सरकार इसके तहत टारगेट लेकर चल रही है कि अगले एक महीने में 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं जिनका सेकेंड डोज बचा हुआ है कोविड का, उनको सेकेंड डोज लग जाएगा हर हाल में। उसके बाद सेकेंड फेज में 18 से लेकर 44 तक साल तक के लोगों पर फोकस करेंगे।
तो इसके लिए इसका जो ये इन्होंने नाम रखा है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, इसका मेन मकसद ये है कि जहां पर लोगों ने अपना वोट दिया था, जो पोलिंग बूथ था, वहीं पर उनका वैक्सीनेशन लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने ट्वीट भी किया कि योजनाबद्ध तरीके से बूथ स्तर पर वैक्सीन लगाने की तैयारी, आज से जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है, जहां वोट डाली थी वहीं जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं। ठीक है, तो ये मेन मोटो है इसका। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? अनिल बैजाल। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, गवर्नर है वीपी बदनौर। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर अभी हाल ही में 268 मिलियन डॉलर का फाइन लगा दिया गया है? और ये फाइन इसलिए लगाया है क्योंकि इन्होंने डिजिटल एडवर्टाइजिंग पावर का मिसयूज किया है। ये कंपनी है गूगल। गूगल के ऊपर अभी हाल ही में 268 मिलियन डॉलर का फाइन लगाया गया है। ये फाइन किसने लगाया? ये फ्रांस आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा इनके ऊपर ये फाइन लगाया गया है। अब समझिए ये फाइन गूगल के ऊपर क्यों लगाया गया। फ्रांस आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि फ्रांसीसी सर्वर्स के ऊपर गूगल अनफेयरली अपने बिजनेस ऑक्शन एडवर्टीजमेंट भेज रहा है। मतलब कहने का कि अगर परमिशन नहीं भी दे रहे हैं तो उसके बाद भी गूगल बाय डिफॉल्ट एडवर्टीजमेंट भेज रहा है, और ये एडवर्टीजमेंट बिजनेस को बूस्ट करने के लिए है, और साथ में ये ऑक्शन एड से भी जुड़े हुए हैं। मतलब कहीं कहने का मतलब, दुनिया भर में किसी भी चीज की अगर नीलामी लग रही है, बिडिंग हो रही है, बोली लग रही है, तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट भी गूगल भेज रहा है। तो जिसकी वजह से गूगल के ऊपर 268 मिलियन डॉलर का फाइन अभी हाल ही में चार्ज किया गया है। गूगल ने क्या किया इसके तहत? गूगल ने इस फाइन को ऑप्ट किया है। गूगल ने कहा है कि वो इस फाइन को जरूर भरेंगे, और साथ में गूगल ने प्रॉमिस किया है कि उनके सर्वर पर जितने भी ऐसे एडवर्टीजमेंट गए हैं उनको वो फिक्स भी कर देंगे। मतलब कहने का वो सारी चीजें पैच करके देंगे गूगल। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी और इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी और इसकी स्थापना 2006 में करी गई थी। फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग और इसकी स्थापना 2004 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो यूपी एचआरसी के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। इनका नाम है बाल कृष्ण नारायण, बी के नारायण अभी हाल ही में बने हैं यूपी एचआरसी के चेयरपर्सन। और ये कौन है? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो अब आपको पता है ह्यूमन राइट कमीशन, चाहे सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें चाहे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, दोनों में से कोई भी चेयरपर्सन होगा, दोनों के चेयरपर्सन का कार्यकाल कितना होता है? 5-5 साल का कार्यकाल होता है, और साथ में मैक्सिमम रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 70 साल। तो कहने का मतलब 5 साल या फिर 70 साल के जब तक नहीं हो जाते, दोनों में से जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी पहले, तब तक ये अपनी पोस्ट पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में पिंक बूथ्स लॉन्च किए गए हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए? तो कोविड वैक्सीन लगाने के लिए पिंक बूथ लॉन्च किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसका मेन मोटो यह है कि ये महिलाओं के लिए जारी किया गया है पिंक बूथ, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक की महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। ऐसी महिलाएं जो कि सिर्फ ऐसे कैंपेन में जाना चाहती हैं या ऐसे पर्टिकुलर जोन में जाना चाहती हैं जहां पर सिर्फ महिलाओं को ही वैक्सीनेट किया जा रहा है, वो इन बूथ्स में जाकर टीकाकरण करवा सकती हैं कोविड का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको पूरे 75 जिलों के अंदर स्टार्ट कर दिया गया है। 75 डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। और यहाँ पे गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यहाँ पर भी गवर्नर आनंदी बेन पटेल ही हैं। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी कोरोनेशन सेरेमनी मनाई गई? कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब होता है हिंदी में राज्याभिषेक। राज्याभिषेक का मतलब समझते हैं ना, जब कोई राजा महाराजा अपने टाइम पीरियड पे राज मुकुट धारण करते थे या फिर गद्दी को धारण करते थे, तो एक सेरेमनी कंडक्ट करी जाती थी, उसको राज्याभिषेक बोला जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था, ये दिन था 6 जून 1674। तो आज चल रहा है क्या, 2021 चल रहा है ना, तो इस बार हम लोगों ने 348वीं
कोरोनेशन सेरेमनी मनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टू उत्तराखंड अंडर हेल्थ सेक्टर। अभी उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो हेल्थ केयर के लिए केंद्र सरकार ने 894 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। आपको यहां पर एक चीज और बता दूं, किसी भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में दी जाने वाली धनराशि में ये आज तक की सबसे बड़ी धनराशि है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बेबी रानी मौर्य। ध्यान रखना, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड के अंदर एक नई लेक बनाई गई थी। इस लेक का नाम है सूर्यधर लेक। क्या नाम है? सूर्यधर लेक। ये जो सूर्यधर लेक है ये मैन मेड लेक है, मतलब आर्टिफिशियल लेक है। इसको क्यों बनाया गया? इसकी मदद से उत्तराखंड के अंदर 20 गांवों को पीने के पानी की फैसिलिटी और सिंचाई के पानी की फैसिलिटी दी जाएगी। साथ में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट की भी फैसिलिटी पर्यटकों के लिए लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम लोगों ने कौन सा दिन मनाया? ये दिवस हर साल मनाया जाता है 7 जून को। यहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ, मई लिखा हुआ है, पीडीएफ में आपको जून ही मिलेगा इसकी जगह, ठीक है? तो 7 जून को, मतलब कहने का कल के दिन हम लोगों ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस बार की थीम क्या रही? इस बार की थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि खराब भोजन या फिर भोजन को ठीक तरीके से साफ करके ना खाने से आपकी बॉडी में कई सारी डिसीजेस हो सकती है। तो उन बीमारियों से बचने के लिए जो फल हैं, सब्जियां हैं, इनको सही तरीके से साफ करके खाना चाहिए। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आज शाम को पॉलिटी की दूसरी क्लास होने वाली है। डेली शाम को 6 बजे मेरी आपसे मुलाकात हो रही है लगातार। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकता है और क्लास का अनलॉक कोड है Varun777। साथ में ध्यान रखिए, आज से करंट अफेयर का बैच भी स्टार्ट हो रहा है 12:30 बजे, तो आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्काउंट कोड है Varun777। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको ये सारे ऑफर मिल जाएंगे और इस अमाउंट में आपको SSC, बैंक, RBI और रेलवे सब का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो अलग। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।